हवलदार जी साहब। यार कोई बकरा नजर नहीं आ रहा है, देखो जरा। साहब कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। साहब मिल गया बकरा, लेकिन इसने हेलमेट तो लगा लिया। हेलमेट लगा ले या कुछ भी लगा ले, सलाम तो आज इसका कट के रहेगा। हाँ बेबी, अरे आज सांप के जुगाड़ करके आ रहा हूँ। हाँ हाँ चलता बैठ गाड़ी पे। कब रुकेगा? ओटीडी का गुस्सा और ऊपर से दिला रही है। जी सर बताइए। हाँ भाई, ला भाई 5000 का चलान कटेगा। सर किस बात का चलान? हेलमेट। सर ये कौन सा रूल है, पेशाब करते वक्त भी हेलमेट लेके जाना? साहब के सामने मुजोरी करता है। अरे सर कागज दिखा रहा हूँ मैं, सर कागज दिखा रहा हूँ, सर दिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, रुको रुको सर। ओरिजिनल कहाँ है? सर ओरिजिनल घर पे है। 6000 रुपए? नहीं सर, सर मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। इतनी हाई फाई गाड़ी चलाने के लिए पैसे हैं, लेकिन चालान कटवाने के लिए पैसे नहीं है। चल चल जो जेब में पैसे है वो निकाल फटाफट। चल मार साला, आज के बाद हेलमेट ही नहीं उतारूंगा, ना सोते वक्त ना खाते वक्त। अबे पुलिस 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 पुलिस। ₹500 बचाने के चक्कर में सारा दारू का नशा उतर गया। खड़क सिंह से बचकर कोई जा ही नहीं सकता, आज तो चालान कट के ही रहेगा। बहुत गंदगी मचा रखी है तुम शराबियों ने, चलो अंदर। अब लगता है कोई आ रहा है, आने दो, इसका भी चालान काटेंगे। कागज निकाल। हवलदार पूरे उत्तराखंड के गुंडों को नचाने वाले खड़क सिंह हवलदार पे हाथ कैसे उठाया? मैं थानेदार तो अभी भी हूँ। मेरा मतलब पूरे उत्तराखंड के गुंडों को नचाने वाले खड़क सिंह थानेदार पे हाथ कैसे उठाया? ले ऐसे मारो। कौन था ये? अभी तक कान झनझन कर रहा है। सर आपका तो कान झनझन कर रहा है, यहाँ तो पूरी बॉडी झनझन कर रही है। हवलदार ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, ऊपर तक नहीं पहुँचनी चाहिए।